केदारनाथ मंदिर के बारे में 5 मिस्ट्रियस फैक्ट्स। केदारनाथ की यात्रा शुरू करने से पहले लोग गौरीकुंड में नहा धोकर यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने ठंडी जगह में भी यहाँ पे एक तप कुंड है जहाँ से हमेशा गर्म पानी निकलता है। मंदिर के पुजारी मंदिर के कपाट बंद करते समय मंदिर में एक अखंड ज्योति जलाए रखते हैं, और 6 महीने बाद जब फिर से कपाट खोला जाता है तब वही अखंड ज्योति जला हुआ पाया जाता है। केदारनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर दूर रेतास कुंड नाम का एक कुंड है जहाँ पे ओम नमः शिवाय बोलने से पानी में से बुलबुले उठने लगता है। रिसर्च के मुताबिक केदारनाथ टेंपल 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक बर्फ के अंदर था, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। जहाँ 2013 में भयंकर बाढ़ के कारण केदारनाथ के आसपास सब कुछ तबाह हो गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाढ़ के दौरान ये भीमशिला मंदिर के पीछे आकर रुक गया था, जिस कारण मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। महादेव के चमत्कार का तो कोई जवाब नहीं। और अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।